हेलो दोस्तों, नमस्कार। अभी अभी की सबसे बड़ी खबर आ रही है जहां पर पाकिस्तानी अब खुलेआम हिंदुओं के धर्म परिवर्तन को ठहरा रहे हैं सही और दे रहे हैं झूठी दलीलें खुलेआम। जी हां दोस्तों, बताएंगे सबसे बड़ी खबर आपको। और जिस प्रकार से भारत लगातार इसका विरोध करता रहा है उसको लेकर भी जवाब दिया गया है दोस्तों। ऐसे में बताएंगे किस पाकिस्तानी ने हिंदुओं के धर्म परिवर्तन को सही ठहराया है और उसके साथ क्या क्या दलीलें दी हैं, आप भी जानकर हैरान हो जाएंगे। और साथ ही साथ दोस्तों आपको बताएंगे जहां चीन पर नजर रखता है दुनिया का सबसे ताकतवर ड्रोन, पीएम मोदी के अमेरिका दौरे पर भारत करने वाला है अमेरिका से ये खास डिमांड। और साथ ही साथ भारत विरोधी पाकिस्तान समर्थक एर्दोगन तुर्की में राष्ट्रपति चुनाव हार रहे हैं। जी हां, ओपिनियन पोल में सबसे बड़ा खुलासा हुआ है दोस्तों। बताएंगे कैसे भारत को अब होने वाला है तगड़ा वाला फायदा। और साथ ही साथ अब मायावती ने दिया है नए पार्लियामेंट के उद्घाटन को लेकर बयान। बताएंगे दोस्तों किसके सपोर्ट में दिया गया है बयान, तो सारी जानकारी बताएंगे। बने रहेगा वीडियो के अंत तक। और अभी खबरों में आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह अपने भारत देश का जमकर समर्थन करते और मानते कि भारतीय सेना विश्व में नंबर वन और बेहतर सेना है, तो सब वीडियो को अभी कर दीजिए लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद। जी हां, तो बात करते हैं पहली और सबसे बड़ी खबर की, जहां पाकिस्तानी यूट्यूबर ने हिंदुओं के धर्म परिवर्तन को ठहराया सही, कहा अल्लाह उनको हिदायत दे रहा इसीलिए उनके साथ जो किया जा रहा है वो बिल्कुल सही है। जी हां दोस्तों, आपको बता दें खुलेआम एक पाकिस्तानी यूट्यूबर के द्वारा दी गई, आपको बता दे पाकिस्तान और भारत का जब आजादी के वक्त 1947 में बंटवारा हुआ था तो उस वक्त पाकिस्तान में 24% हिंदू रहते थे, लेकिन अब हालात बिल्कुल उल्टे हैं। आज पाकिस्तान में 1% से भी कम हिंदू बचे हैं। इसी बीच पाकिस्तानी यूट्यूबर नादिर अली ने अपने एक शो में पाकिस्तानी सिंगर नईम अब्बास के सामने पाकिस्तानी हिंदुओं पर कमेंट किया। पाकिस्तानी यूट्यूबर नादिर अली ने पाकिस्तानी हिंदुओं को टारगेट करते हुए कहा कि भारतीय मीडिया अक्सर कहती है कि पाकिस्तान में हिंदू अल्पसंख्यक है और इनकी आबादी कम होते जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि हिंदुओं की जनसंख्या कम नहीं हो रही है, अल्लाह उनको हिदायत दे रहा है और लोग मुसलमान होते जा रहे हैं। इससे जुड़ा एक वीडियो भी काफी ज्यादा वायरल हो रहा है दोस्तों। और आपको बता दें ये खबर एबीपी न्यूज के वेबसाइट में छपी है, जिसका यानी एबीपी न्यूज उस वीडियो का पुष्टि नहीं करता है, लेकिन ये खबर छपी गई है। पाकिस्तान में अगर आज के वक्त हिंदुओं की स्थिति के बारे में बात की जाए तो वो बेहद दयनीय है। पाकिस्तान से अक्सर ऐसी खबरें आती रहती हैं जहां पर एक साथ सैकड़ों हिंदुओं का धर्म परिवर्तन किया जाता है। पाकिस्तानी यूट्यूबर नादिर अली अपना एक यूट्यूब शो चलाता है जिसमें वो पाकिस्तान के जानकारों को बुलाकर अलग अलग मुद्दों पर राय जानने की कोशिश करते हैं। उनके यूट्यूब चैनल का नाम नादिर यूट्यूब है। इस शो में वो पाकिस्तानी हिंदुओं के धर्म परिवर्तन को सही ठहरा रहे थे। वो कहना चाह रहे थे कि पाकिस्तान में हिंदुओं के साथ जो भी किया जा रहा है वो सही है, इसके लिए अल्लाह उन्हें हिदायत दे रहा है। यानी कि दोस्तों किसी को जबरदस्ती पकड़ करके उसका धर्म परिवर्तन उसके बिना मर्जी के करवा दिया जाता है और उसको ये पाकिस्तानी सही बता रहा है। और दूसरी चीज, भारत इसका विरोध करता है तो भारत को ही गलत ठहराने की कोशिश की जा रही है। और भारत में जबकि अल्पसंख्यक बहुत ज्यादा सुरक्षित है, उसके बावजूद भी पाकिस्तानी भारत को और भारत के अल्पसंख्यकों को लेकर असुरक्षित जैसे बयान देते हैं। ऐसे में हिंदुओं के धर्म परिवर्तन को लेकर खुलेआम दी जा रही इन बयानों को लेकर आपकी क्या राय होने वाली है दोस्तों? आप लोग कैसे जवाब देना चाहेंगे इसका कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। और साथ ही साथ आज जितना ज्यादा उसके वीडियो को शेयर कर दीजिएगा व्हाट्सएप फेसबुक पर हमेशा की तरह, ताकि हर कोई पाकिस्तान के सुबह से अवगत हो सके। बात करते हैं दोस्तों अगली बड़ी खबर की, जहां चीन पर नजर रखता है दुनिया का सबसे ताकतवर ड्रोन, पीएम मोदी के अमेरिका दौरे पर भारत करेगा अब ये खास डिमांड। बता दे हिंद प्रशांत क्षेत्र में समुद्री डोमेन जागरूकता पर क्वाड राष्ट्रों के हाथ मिलाने के साथ भारत ने अमेरिका के सशस्त्र ड्रोन को शामिल करने में तेजी लाने की योजना बनाई है। भारतीय नौसेना जनरल एटॉमिक्स निर्मित सी गार्जियन सर्विलांस ड्रोन के पट्टे का विस्तार करने की दिशा में काम कर रही है। भारतीय नौसेना ने अमेरिका से समुद्र में निगरानी के लिए जनरल एटॉमिक्स द्वारा निर्मित 2 सी गार्जियन बुलेट MQ-9B ड्रोन 2020 से लीज पर ले रखे हैं। भारतीय नौसेना अपनी सी गार्जियन के आउटपुट से संतुष्ट है। ये कॉन्ट्रैक्ट जनवरी 2024 में समाप्त हो रहा है। भारत के पड़ोसी चाइना और पाकिस्तान दोनों के पास सशस्त्र ड्रोन है, ऐसे में भारतीय सेना को सशस्त्र ड्रोन की आवश्यकता है। ये सी गार्जियन ड्रोन अफ्रीका के पूर्वी बॉर्डर और अदन की खाड़ी से लेकर इंडोनेशिया और उसके आगे सुडान जल डमरू मध्य तक निगरानी करते हैं। जानकारी के मुताबिक भारत MQ-9B को खरीदने की तैयारी कर रहा है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अगले महीने 22 जून को अमेरिका की अपनी राजकीय यात्रा के लिए जाएंगे। इस दौरान सशस्त्र ड्रोन का अधिग्रहण, हाईटेक प्रौद्योगिकी हस्तांतरण और इंडो पैसिफिक चर्चा के विषयों में एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक डील होने वाला है। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को इस चीज के लिए ऑल द बेस्ट जरूर कह दीजिए आप लोग। साथ ही साथ बात करते हैं अगली बड़ी खबर की, जहां भारत विरोधी पाकिस्तान समर्थक तुर्की देश का राष्ट्रपति एर्दोगन हार रहे हैं
चुनाव। जी हाँ दोस्तों, ये हम नहीं बल्कि ओपिनियन पोल में सबसे बड़ा खुलासा हुआ है। बता दे पश्चिम एशियाई देश तुर्की में राष्ट्रपति के चुनाव के लिए वोटिंग हो रही है। वोटिंग के फर्स्ट फेज के बाद एक ओपिनियन पोल में कहा गया है कि मौजूदा राष्ट्रपति रेसेप तैयब एर्दोगन की हार हो रही है। वहां उनका मुकाबला विपक्षी नेता कमाल कैलिकदारोग्लू के साथ है। कमाल कैलिकदारोग्लू को तुर्की का गांधी माना जाता है। उनके हाव भाव भारत के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी से काफी मिलते जुलते हैं, इसलिए लोग उन्हें कमाल गांधी भी कहते हैं। वहीं दूसरी ओर तुर्की के वर्तमान राष्ट्रपति रेसेप तैयब एर्दोगन का रवैया भारत विरोधी रहा है और वो पाकिस्तान समर्थक के तौर पर जाने जाते हैं। तुर्की में वो पिछले 20 साल से सत्ता में है और पहली बार उन्हें कमाल गांधी से इतनी बड़ी चुनौती मिल रही है। आपको बता दें तुर्की के राष्ट्रपति ने भारत के कश्मीर में हो रहे G20 बैठक में भी शामिल न होने का फैसला लिया था और कश्मीर पर हमेशा से पाकिस्तान को सपोर्ट करता आया है एर्दोगन। अब ऐसे में कमाल गांधी एर्दोगन को तगड़ा वाला झटका दे रहे हैं और तगड़ा वाला चुनौती दे रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, अब आपको बताते हैं क्या कहता है ओपिनियन पोल। तो ओपिनियन पोल के मुताबिक, जिसका नाम तुर्कियन प्रेसिडेंट इलेक्शन फॉरकास्ट है, उसमें फर्स्ट राउंड में कमाल गांधी को 49.3% जबकि एर्दोगन को 47% वोट मिले हैं। तो वहीं शेष 3.7% वोट ओगन के हिस्से जा सकते हैं यदि चुनाव परिणाम की तस्वीर भी ऐसी ही रही तो। 14 मई का वो चुनावी मुकाबला एर्दोगन के 20 साल के शासन को समाप्त कर सकता है। जी हाँ, आपको बता दें कि अब लोग तुर्की राष्ट्रपति के पक्ष में दिखाई नहीं दे रहे क्योंकि भूकंप से बहुत बड़ी बर्बादी हुई और एर्दोगन ने ठीक से जनता की सेवा नहीं की। बढ़ती बेरोजगारी भी सबसे बड़ा एक कारण है। ऐसे में क्या आप भी चाहते हैं कि एर्दोगन को पूर्ण रूप से बदल देना चाहिए तुर्की में? देखते हैं भारत की जनता किस पर क्या राय है। लेकिन दोस्तों वीडियो को जरूर लाइक करिएगा जो भी चाहते हैं कि तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगन को किसी भी कीमत पर बाहर होना चाहिए। तो दोस्तों वीडियो को जरूर लाइक करिएगा। चलते अगली खबर की तरफ, जहां फ्रांस के राष्ट्रीय दिवस परेड में चीफ गेस्ट होंगे प्रधानमंत्री मोदी जी। भारतीय लड़ाकू जेट भी करेंगे इसमें मार्च। बता दें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इस साल फ्रांस के पेरिस में 14 जुलाई को बास्टिल दिवस परेड के विशिष्ट अतिथि होंगे। ये जानकारी नई दिल्ली में फ्रांसीसी दूतावास ने ट्विटर पर इसकी जानकारी दी। पीएम मोदी फ्रांस के राष्ट्रीय दिवस की परेड में शामिल होने वाले भारत के दूसरे प्रधानमंत्री होंगे। इससे पहले फ्रांस सरकार ने 2009 में तत्कालीन प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह को विशिष्ट अतिथि के रूप में आमंत्रित किया था। ये फ्रांस में लोक क्रांति व्यवस्था के लिए 18वीं शताब्दी में हुए विप्लव की एक प्रमुख घटना के उपलक्ष में मनाया जाता है। इसवी साल 1789 में 14 जुलाई के दिन आंदोलनकारियों ने बास्टिल सैन्य दुर्ग और कारावास पर धावा बोलकर कई बंदियों को छुड़वा लिया था और इसी घटना से फ्रांसीसी क्रांति को गति भी मिली थी। जी हां, ऐसे में एडवांस में पीएम मोदी जी को हैप्पी जर्नी जरूर कह दीजिएगा। साथ ही साथ एक और खबर बता दे, जहां पर जेलेंस्की ने प्रधानमंत्री मोदी जी से मीटिंग के समय में क्या मांगा था उसका अब जाके खुलासा हुआ है। ना ही सेना, ना गोला बारूद और ना ही पैसा। हिरोशिमा में पीएम मोदी से जेलेंस्की ने मांगी सिर्फ और सिर्फ शांति। जी हां, व्यक्तिगत रिश्तों से कूटनीति नहीं चलती। चाहकर भी कोई देश दूसरे देश की मदद केवल व्यक्तिगत कारणों या दया भाव के साथ नहीं कर सकता क्योंकि फैसले देश के लिए होते हैं। देश के लिए जो उचित होगा वही फैसला लिया जाएगा। पीएम मोदी 3 देशों की यात्रा कर आज सुबह स्वदेश लौट आए। यहां पर उनका स्वागत हुआ। इस दौरे में सबसे खास था पीएम मोदी और यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की की मीटिंग, जो कि युद्ध होने के बाद पहली बार हो रही थी। विश्व के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश भारत से यूक्रेन को ढेरों उम्मीदें हैं। अमेरिका भी ये कह चुका है कि भारत यूक्रेन रशिया के बीच मध्यस्थता कर सकता है। अब जेलेंस्की और मोदी आपस में मिले तो दोनों देशों के अधिकारियों ने इसकी पूरी तैयारी कर ली थी। G7 मीटिंग के इतर पीएम मोदी और जेलेंस्की की बातें हुई। जेलेंस्की ने पीएम मोदी से सिर्फ और सिर्फ शांति की मांग की। पीएम मोदी से उन्होंने कहा कि वो चाहते हैं कि भारत शांति प्रस्ताव का समर्थन करें। इसके अलावा भारत ने यूक्रेन से कोई और मांग नहीं की। इसके पीछे भी एक और बड़ा कारण है, भारत की अपनी कुछ पाबंदियां हैं, भारत की अपनी कूटनीति है। भारत ने कभी भी यूक्रेन को मानवीय मदद के लिए मना नहीं किया। पुतिन से पीएम की मुलाकात हुई थी तो उन्होंने युद्ध को किसी भी मायने में जायज नहीं ठहराया था। पीएम ने कहा था कि ये समय युद्ध का नहीं है और इस समस्या का हल कूटनीतिक तौर पर निकाला जाना चाहिए। जी हाँ, अब ऐसे में क्या भारत को यूक्रेन की मदद करनी चाहिए? दोस्तों चाहे कैसी भी मदद हो, अगर यूक्रेन की मदद होती है भारत के द्वारा तो पुतिन का नाराज होना तो बनता ही है। बहरहाल इस पर आपकी जो भी राय हो, एक अच्छा सा सजेशन जरूर दीजिएगा भारत को रशिया और यूक्रेन युद्ध के बीच। साथ ही साथ एक और खबर की बात करते हैं, जहां नए संसद के उद्घाटन पर मायावती ने खोले पत्ते, किया मोदी का जमकर समर्थन। जी हां, राजधानी दिल्ली में नया संसद भवन बनकर तैयार है जिसका उद्घाटन 28 मई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। हालांकि विपक्षी दल उद्घाटन समारोह के विरोध में उतर आए हैं, साथ ही उन्होंने राष्ट्रपति से उद्घाटन करवाने की मांग की है। इस मुद्दे पर बहुजन समाज पार्टी की चीफ मायावती ने भी अपना रुख साफ कर दिया है। दरअसल 21 विपक्षी दल संसद भवन उद्घाटन के विरोध में है। उन्होंने साफ
कर दिया है कि जब तक राष्ट्रपति लोकसभा स्पीकर या राज्यसभा के सभापति से उद्घाटन नहीं करवाया जाता तब तक वो शामिल नहीं होंगे। इस मुद्दे पर मायावती की प्रतिक्रिया का इंतजार था, उन्होंने मोदी सरकार का जमकर समर्थन भी किया। मायावती ने ट्वीट करके लिखा है कि केंद्र में पहले चाहे कांग्रेस पार्टी की सरकार रही हो या अब वर्तमान में बीजेपी की, बीएसपी ने देश और जनहित निहित मुद्दों पर हमेशा दलगत राजनीति से ऊपर उठकर समर्थन किया है। 28 मई को संसद के भवन के उद्घाटन को भी पार्टी इसी संदर्भ में देखते हुए इसका स्वागत करती है। उन्होंने दूसरे ट्वीट में लिखा कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा नए संसद का उद्घाटन नहीं कराए जाने को लेकर बहिष्कार अनुचित है, सरकार ने इसको बनाया है इसलिए उद्घाटन का हक उसे है, इसको आदिवासी महिला सम्मान से जोड़ना भी अनुचित है। अगर विपक्ष को आदिवासी समाज की इतनी चिंता है तो उनके विरुद्ध उम्मीदवार खड़ा करते वक्त सोचना चाहिए था। तीसरे ट्वीट में मायावती ने लिखा कि देश को समर्पित होने वाले कार्यक्रम अर्थात नए संसद भवन के उद्घाटन समारोह का निमंत्रण मुझे प्राप्त हुआ है जिसके लिए आभार और मेरी शुभकामनाएं, परंतु पार्टी की लगातार जारी समीक्षा बैठकों संबंधी अपनी पूर्व निर्धारित व्यवस्था के कारण मैं उस समारोह में शामिल नहीं हो पाऊंगी। जी हाँ, ऐसे में दोस्तों आप लोगों ने भी कमेंट में जमकर ये लिखा है कि पीएम मोदी जी को ही उद्घाटन करना चाहिए। बहरहाल अब मायावती के बयान के बाद आप क्या कहना चाहेंगे अपनी राय अवश्य दीजिएगा और फिर से इस सवाल का जवाब जरूर दीजिएगा कि पीएम मोदी जी या फिर राष्ट्रपति किसको नए संसद भवन का उद्घाटन करना चाहिए। देखते हैं भारत की जनता का इस पर क्या राय है। साथ ही साथ ये थी अभी की सारी बड़ी खबरें। आपको हमारी खबर कैसी लगी, आशा करता हूँ बहुत अच्छी लगी होगी। थोड़ी भी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के कमेंट सेक्शन में जय हिंद जय भारत जरूर कह दीजिएगा और साथ ही साथ यहां तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।